मेरे सामने आप देख रहे हैं फग्गुल। गाइस हम लोग बोटी बना रहे हैं बारबेक्यू के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं बारबेक्यू में। आपको तो पता है बकरीद के बाद बारबेक्यू बहुत मज़ेदार, मतलब हर बच्चे का टैलेंट है। तो गाइस बस वो ये भी काम कर रहे आ रहे हैं हमारा, गोश्त वोश्त काट रहे हैं, उसके बाद बोटियाँ लगाएंगे, मसाला लगाएंगे, पूरा पूरा शुरू से लेके एंड तक आपको दिखाएंगे हम कि क्या है सब कुछ, बोटी वोटी कैसे बनी। गाइस हमारे मामू भी कट रहे हैं। आज जो है आपको पता है कि मौसम भी कितना प्यारा है, बारिश का मौसम हो रहा है, सुबह वैसी बारिश। लेकिन आपको पता है आज हमारी ये टिक्का बड़ी है। बोलो ये हम कटिंग कर रहे हैं ऐसे जैसे मछली जैसे पीस बिल्कुल। ये देखो ये अब इसकी कटिंग होगी, फिर उसके बाद हम टिक्का बोटी लगाएंगे, मसाला लगाएंगे इसके ऊपर, वो जो है फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे मसाला लगा। और ये सब हो चुकी है बड़ी मेहनत से, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दिया करें, हम इतनी मेहनत करते हैं सब कुछ आपके लिए, हर कोई सब व्लॉग बना दे, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दे। अभी हम मिलते हैं मसाला बनाने शुरू हो गए। आज हमारे घर में टिक्का पार्टी है तो सब आए हुए हैं एक साथ, हम आपको दिखाएंगे जब सब एक साथ बैठेंगे। अभी तो फिलहाल मैं और बच्चे आए हैं छत पे, बच्चों ने मिलके सफाई करी और काम करा है, और जब सब आ जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये तो मसाला लगा के थक चुके हैं तो ये भी आराम फरमा रहे हैं। खाली मसाला ही नहीं लगाया है मैंने, बोटियां भी बनाई है भाई, खाली मसाला ही नहीं लगाया। और क्या क्या करा तो बनाई है, बोटियां बनाई है, सब ने मिल के काम करा है, सब बच्चों ने मिल के काम करा है। बोटियों में हमने मसाला लगा दिया है और शाम का टाइम है, हम छत पे आ गए हैं सब, और बस सब थोड़ी देर बाद हम बनाना शुरू करेंगे। बच्चे भी सब आ गए हैं, तैयारी शुरू कर दी है, और बस अब वो जो सिक्के वगैरह लगाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये रेडी हो गए हैं, मसाला वगैरह सब इसमें तैयार हो चुका है, लग चुका है सब। तो ये नमकीन बोटी है बच्चों के लिए, इसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ नमक और लहसुन अदरक डाला हुआ है, और इसमें भी कुछ नहीं थोड़ा है। बोलो टिक्को का मसाला इसमें डाल दिया है, चांग का मसाला था टिक्को का, और इसमें डाल दिया है चटनी पाउडर डाल दिया है। अभी ये सब छोड़ो, टिक्का बोटी हमारी बनने स्टार्ट हो गई गाइस, थोड़ी देर बाद बस हम खाना खाएंगे। और ये देखिए हमारे मियाँ जी जो है, ये हाँ इनके मामू जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, और आप देख सकते हैं सब आ भी चुके हैं, सब बैठे हुए हैं छत पे। और असल में आज हमारी लाइट गई हुई, अचानक से लाइट चली गई तो इसलिए अंधेरा बहुत हो रहा है। जवाब नहीं भाई, वाह सवाल है परन तो जिब्रान भाई खाना खा रहे हैं कपड़ों आ जा यार बाद में काट दे।